थोड़ा सा ध्यान देना बाबू, आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। क्वेश्चन आपका है कप, क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में आवे। कप की अपेक्षा, ठीक है, कप की अपेक्षा प्लेट में हम गर्म दूध या चाय जो है जल्दी क्यों पी लेते हैं, जल्दी क्यों पी लेते हैं, यही आपका क्या है प्रश्न है, ठीक है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कप की अपेक्षा जो है प्लेट में हम गर्म दूध या चाय जो है जल्दी पी लेते हैं, आखिर क्यों, क्या रीजन है जो है हम कप की अपेक्षा प्लेट में जो है गर्म दूध या चाय जो है जल्दी पी लेते हैं। चलिए तो इनके आंसर में जानते हो आप लोग क्या लिखोगे, इनके आंसर में आप लोग लिखोगे बाबू लोग, ठीक है, लिखना है कप की अपेक्षा, कप की अपेक्षा प्लेट प्लेट में गर्म दूध या चाय गर्म दूध या चाय का सतह क्षेत्रफल क्या होता है, बढ़ जाता है, सतह क्षेत्रफल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिससे वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। इतना सा लिख कर आगे थोड़ा सा और लिखोगे, बढ़ जाती है, आगे लिखना है फिर, और गर्म दूध या चाय शीघ्र ठंडा हो जाता है, ठंडा हो जाता है, क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, जिसके कारण इसलिए ठंडे दूध या चाय जल्दी पी लेते हैं। बस इसका आंसर हो गया है, ठीक है, कंप्लीट इसका आंसर। चलिए हम इनको समझा देते हैं, आप लोग ध्यान से सुनो। कप की अपेक्षा प्लेट में गर्म दूध या चाय की सतह का क्षेत्र चाय का सतह का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है, गर्म दूध या चाय का सतह का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है, जिससे जो है वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसके कारण जो है वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और गर्म दूध या चाय शीघ्र क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, इसलिए ठंडे दूध या चाय को हम क्या कर लेते हैं, जल्दी पी लेते हैं। बस इतना सा ही क्या करना है, इनके आंसर में लिखना है, क्वेश्चन आपका है कप की अपेक्षा प्लेट में हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं, ठीक है, तो इनके आंसर में आप लिखोगे कप की अपेक्षा प्लेट में गर्म दूध या चाय का सतह का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिससे वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है बाबू, बढ़ जाती है, और गर्म दूध या चाय शीघ्र ठंडा हो जाता है, इसलिए ठंडे दूध या चाय हम क्या कर लेते हैं, जल्दी पी लेते हैं। बस इतना सा ही क्या करना है, इनके आंसर में लिखना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आवे। इनके आंसर में आपको कुछ नहीं करना है, लिखोगे कप की अपेक्षा प्लेट में गर्म दूध या चाय का सतह का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ये बढ़ने से क्या हो जाता है, जिससे वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और गर्म दूध या चाय शीघ्र ठंडा हो जाता है, इसलिए ठंडे दूध या चाय को हम क्या कर लेते हैं, जल्दी पी लेते हैं। तो वेरी वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो नाइन्थ क्लास के विद्यार्थियों से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस क्वेश्चन का आंसर आप जो है क्या करोगे, पूरी ईमानदारी से कंप्लीट कर लोगे। यदि वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और जो बाबू अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो उन बाबू से रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।